अध्याय 16 हार की जीत कहानी अध्ययन से पूर्व। अरे देखो ये घोड़ा कितना सुंदर है। हाँ हम इसकी सवारी करते हैं। क्या आपको पता है घोड़ा चने भी खाता है। कविता का मूल तत्व प्रस्तुत कहानी में किसी भी कार्य को ईमानदारी पूर्वक करने की सीख दी गई है तथा गरीबों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया गया है। जिस प्रकार माँ अपने बेटे तथा किसान अपनी लहलाती खेतों को देखकर जो आनंद महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आनंद मग्न हो जाते हैं। भजन करने के बाद जो समय की बचत होती थी वह घोड़े को निहारने में अपन कर देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। उस घोड़े के जैसा पूरे इलाके में कोई दूसरा घोड़ा नहीं था जिसका नाम बाबा भारती ने सुल्तान रखा था। वह उसे अपने हाथ से खाना खिलाते, नहलाते और उसे देखकर आनंदित होते। वे अपने गांव के जीवन को छोड़कर गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी वे उसकी चाल पर लच्छू थे और कहते ये ऐसे चलता है और जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। संध्या समय जब तक सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। एक दिन वे सो रहे थे तो सपने में उन्हें खड़क सिंह को देखा। खड़क सिंह एक कुयाद चाकू था। धीरे धीरे सुल्तान की प्रसिद्धि उसे भी सुनने को मिली। उसे देखने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी कृपा है। कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़क सिंह और बाबा भारती अस्तबल में पहुँचे। सुल्तान को देखकर वह भौचक्कर रह गया क्योंकि उसने ऐसा अलबेला घोड़ा कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। वह कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों से अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। बाबा भारती ठहरे एक आम इंसान जो अपने घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनकर भाव विभोर हो गए। जैसे ही घोड़े को खोलकर बाहर ले गए वैसे ही घोड़ा बेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर ही खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। वह चाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। जैसे ही बाबा भारती की आंख खुली वे सहम से गए। अब उन्हें नींद आनी बंद हो गई थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। हर एक पल उन्हें खड़क सिंह का भय सताता रहता, परंतु कई मास बीतने के बाद भी वह नहीं आया। अब बाबा भारती को असावधान से हो गए। वे अब इस स्वप्न को भी मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले को भी सुनते जा। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखो एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था। बाबल जी बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। वैद्य दुर्गादत्त का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे।
अचानक से उन्हें एक झटका लगा और लगाम भी हाथ से छूट गई। उन्होंने घोड़े की ओर देखा तो अपाहिज व्यक्ति घोड़े को पीठ पर तनकर बैठा है, जो घोड़े को भगाकर ले जा रहा था। उसे देखकर तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा के कारण चीख निकल पड़ी। वे अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह बात सुनकर घोड़ा रोक लिया और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने जाकर उसकी ओर ऐसी आंख से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता है, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़ा का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी भी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जिसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके कहे शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। खड़क सिंह सोचने लगा, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। एक रात खड़क सिंह रात्रि को अंधकार में सुल्तान की लगाम पकड़े हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे चिमचिमा रहे थे, थोड़ी दूरी पर कुत्ते भौंक रहे थे। वहां धीरे धीरे अस्तंबल के फाटक पर पहुंचा, फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती वहां स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की छाप को पहचान लिया और जोर से हिलहिलाया। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। चपदार अपर्ण अर्थात भेंट करना, सौंपना बलवान अर्थात शक्तिशाली बलशाली, भ्रांति अर्थात भ्रम चक्कर संदेह, विस्मय अर्थात आश्चर्य अचंभा उच्चारण करें, घृणा सन्नाटा हृदय विस्मय वृक्ष, शिक्षण संकेत शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कहानी का सार बताएं तथा उन्हें ईमानदारी पूर्वक किसी कार्य को करने की शिक्षा दें। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। ख, खड़क सिंह कौन था? उत्तर, खड़क सिंह डाकू था। ग, सपने में बाबा भारती ने किसको देखा? उत्तर, सपने में बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को देखा। घ, अपाहिज व्यक्ति के वेश में कौन था? उत्तर, अपाहिज व्यक्ति के वेश में डाकू खड़क सिंह था। जरा लिखिए। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बाबा भारती अपने घोड़े की सेवा किस प्रकार करते थे? उत्तर, बाबा भारती अपने घोड़े को निहारते, अपने हाथों से उसे खाना खिलाते, नहलाते, उसकी सेवा करते। ख, सोते समय बाबा भारती की आंखें अचानक क्यों खुल गई? उत्तर, स्वप्न में बाबा भारती के घोड़े को खड़क सिंह डाकू ले जा रहा है, इस भय से बाबा भारती की आंख खुल गई। ग, अस्तबल में घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या सोचा? उत्तर, अस्तबल में घोड़े को देख खड़क सिंह ने सोचा, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, इस साधु के पास इस घोड़े का क्या काम? घ, बाबा भारती के हाथों से घोड़े की लगाम कैसे छूट गई?
उत्तर, अपाहिज व्यक्ति ने जब सहसा हे घोड़े को भागाना चाहा, तो झटके से घोड़े की लगाम बाबा भारती के हाथों से छूट गई। ड़ा, आश्रम में घोर निराशा क्यों छा गई थी? उत्तर, सुल्तान के चले जाने से आश्रम में घोर निराशा छा गई। प्रश्न तीन, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध तथा अशुद्ध वाक्यों की पहचान कीजिए। क, बाबा भारती घोड़े से बहुत नफरत करते थे। उत्तर, गलत। ख, खड़क सिंह एक साधारण इंसान था। उत्तर, गलत। ग, घोड़ा अस्तबल में बंधा रहता था। उत्तर, सही। घ, जकैत ने घोड़े को चुरा लिया था। उत्तर, सही। ड, जब सुबह बाबा भारती उठे तो उन्हें घोड़ा अस्तबल में मिला। उत्तर, सही। जरा सोचिए। प्रश्न चार, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को उनके हाथों से छुड़ा कर ले गया। क्या हमें भी किसी की घनिष्ठता प्राप्त कर भरोसे को तोड़ना चाहिए? तो समझ कर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न पाँच, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताइए। मुहावरे, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरा कहलाते हैं। जैसे आंखें दिखाना, क्रोध आना, क, मुंह में पानी भराना। उत्तर, लालच आना। ख, अकल का अंधा। उत्तर, ना समझ। ग, बंधा फोड़ होना। उत्तर, पर्दा फाश होना। घ, कान कतरना। उत्तर, अधिक होशियार हो जाना। ड, दांत खट्टे करना। उत्तर, हरा देना। प्रश्न छः, उपरोक्त वाक्यों में से विशेषण को अलग कर लिखिए। क, बाबा भारती के पास सुंदर घोड़ा था। उत्तर, सुंदर घोड़ा। ख, खड़क सिंह खोया डाकू था। उत्तर, खोया डाकू। ग, अस्तबल में कई घोड़े रहते थे। उत्तर, कई घोड़े। ग, लोग बाबा भारती को सन्यासी मानते थे। उत्तर, सन्यासी। ड, हमें गरीब व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उत्तर, गरीब। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न सात, कभी कभी दयालुता का भाव भी किसी बुरे इंसान को गलत काम करने से रोक देता है। इस कथन के भावार्थ को उदाहरण द्वारा अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न आठ, नीचे दिए गए नामों को उनकी विशिष्टता बताते हुए उनके संबंध में लिखिए। क, चेतक। ख, बादल। ग, पिनाक। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न नौ, प्रस्तुत पाठ, हार की जीत के विभिन्न पात्रों में से आप किस पात्र के चरित्र से प्रभावित हुए, जिसका अनुसरण आप अपने जीवन में करना चाहेंगे, बताइए।